गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे विल टॉक अबाउट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। अभी तक हमने ये समझ लिया था कि एक पॉइंट को ग्राफ में कैसे बनाना है, अब इक्वेशन को ग्राफ पे कैसे प्लॉट करना है वो समझते हैं। एक एग्जांपल देखते हैं। 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, ये हमें एक इक्वेशन दे रखी है। अब इसमें दो वेरिएबल हैं क्योंकि एक एक्स है और एक वाई है, ये दो वेरिएबल हो गए, और ये लीनियर इक्वेशन है क्योंकि इसमें डिग्री मैक्सिमम 1 है। तो ये एक लीनियर इक्वेशन है जिसके दो वेरिएबल हैं। अब इसको ग्राफ में कैसे प्लॉट करेंगे, आइए ये समझिए। अब ये चूंकि एक्स और वाई वेरिएबल्स हैं, तो अगर एक्स की वैल्यू कुछ अपन दें तो वाई का अलग आंसर आएगा, या फिर अगर अपन वाई की कुछ वैल्यू दें तो एक्स का अलग आंसर आएगा। कैसे, देखिए हमने यहाँ फर्स्ट रिज्यूम करा है कि x इज इक्वल्स टू 0। अब इस इक्वेशन में x की जगह 0 रख के देखिए क्या हो जाएगा, 2 इंटू 0 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5। 2 इंटू 0 क्या होता है, 0, तो आंसर क्या बचा, y इज इक्वल्स टू 5, y इज इक्वल्स टू 5। इसका मतलब क्या हुआ, हमें पता है हम ब्रैकेट में कैसे लिखते हैं, पहले x की वैल्यू लिखते हैं फिर कॉमा करके y की वैल्यू बनाते हैं, उसी तरह से लिखेंगे जब x 0 होगा तो y का वैल्यू 5 होगी। ये इजी है। अब देखिए x की जगह हमने 1 रखा है इस इक्वेशन में, जहाँ x है वहाँ पर अपन 1 रखेंगे, तो क्या बन जाएगा, 2 इंटू 1 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5। 2 इंटू 1 इज 2, सो 2 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5। 2 को जब इधर ट्रांसफर करेंगे तो वो माइनस का हो जाएगा, यानी कि y इज इक्वल्स टू 5 माइनस 2 विच इज 3। अब हमें ब्रैकेट में क्या आंसर मिला, 1, 3, मतलब जब x 1 है तब तो y की वैल्यू 3 है। एक और अपन ले लेते हैं, इसमें हमने किया x इज इक्वल्स टू 2, मतलब इस इक्वेशन में x की जगह 2 रखिए, तो ये आ गया 2 इंटू 2 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5, मतलब 2 इंटू 2 क्या होता है, 4, 4 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5, 4 को इधर ट्रांसफर कीजिए तो क्या हो गया, माइनस का 4, सो y इज इक्वल्स टू 5 माइनस 4 विच इज प्लस 1, हमें ब्रैकेट मिला 2, 1। तो हमारे पास तीन सॉल्यूशंस हैं, 0, 5, 1, 3, 2, 1। आइए अब इनको ग्राफ में प्लॉट कीजिए। सबसे पहले हमने एक ग्राफ बनाया, हमें मालूम है कैसे बनाते हैं, राइट साइड x पॉजिटिव वैल्यूज हैं, लेफ्ट साइड x माइनस वैल्यूज हैं, टॉप में y की पॉजिटिव वैल्यूज हैं और बॉटम में y की नेगेटिव वैल्यूज हैं। पहला देखिए, x इज इक्वल्स टू 0 और y इज इक्वल्स टू 5। जब x 0 है तो y की वैल्यू होनी चाहिए 5, पहला पॉइंट हमें यहाँ मिल गया y एक्सिस पे। सेकंड देखिए, 1, 3, मतलब x जब 1 है तो y है 3, x जब 1 है और तब y 3 है। यहाँ से एक परपेंडिकुलर खींचा अपन है, स्ट्रेट लाइन, यहाँ से भी एक स्ट्रेट लाइन खींची, जहाँ पे ये दोनों लाइंस टकराई ये पॉइंट है 1, 3 का, यहाँ पर x 1 की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 3 है। थर्ड देखिए, 2, 1, मतलब जब x 2 है तो हमने एक स्ट्रेट लाइन बनाई, तब y 1 है, y से भी एक स्ट्रेट लाइन बनाई, जहाँ ये दोनों इंटरसेक्ट हुए वो पॉइंट कहलाएगा 2, 1। अब हमें जो तीन पॉइंट्स थे वो हमने ग्राफ में बना दिए हैं। अब इन तीनों को एक स्ट्रेट लाइन से जोड़ते हुए एक लाइन खींचिए, ये पूरी लाइन है, एक कौन सी इक्वेशन की लाइन है, ये 2x प्लस y इज इक्वल्स टू 5 की, मतलब इस लाइन पे जो भी पॉइंट्स हैं वो सब इसके सॉल्यूशन निकलेंगे, या इसके जितने भी सॉल्यूशंस हैं उन सबको जब हम प्लॉट करेंगे तो यही ग्राफ की लाइन बनेगी। मैंने यहाँ x की वैल्यू 0, 1 और 2 ली थी, आप कुछ और वैल्यू लेके देखिए, पॉइंट इसी ग्राफ ऐसा ही बनेगा, हो सकता है आपका पॉइंट यहाँ आ जाए 1.5 और 2 का, हो सकता है आपका पॉइंट यहाँ आ जाए 3, -1 का, वैल्यूज़ आपकी फ़र्क हो सकती हैं लेकिन ग्राफ आपका यही लाइन का बनेगा, करके देखिए। वी नीड मिनिमम 2 पॉइंट्स टू प्लॉट अ ग्राफ, एक ग्राफ बनाने के लिए हमें कम से कम 2 पॉइंट्स चाहिए, लेकिन हम 3 या 4 पॉइंट्स क्यों लेते हैं, ताकि हमारा ग्राफ क्लियर बन पाए। किसी भी लीनियर इक्वेशन का, जो 2 वेरिएबल्स की लीनियर इक्वेशन है, उसका ग्राफ हमेशा एक स्ट्रेट लाइन बनता है, ऑलवेज रिमेंबर दिस। कभी अगर आपकी ग्राफ की लाइन टेढ़ी बन रही है या जिगजैग बन रही है या कर्व्ड बन रही है तो आप चेक कीजिए आपका ग्राफ प्लॉट सही नहीं हुआ। अगर लीनियर इक्वेशन विद 2 वेरिएबल्स का ग्राफ आप बना रहे हैं तो वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होगा।
एवरी पॉइंट ऑन द ग्राफ इज़ अ सोल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन। उस लाइन पे जितने भी पॉइंट हैं वो सब उसके सोल्यूशंस हो सकते हैं। इसका उल्टा भी हो सकता है, सारे जो सोल्यूशंस हैं वो मिलाकर एक स्ट्रेट लाइन बना सकते हैं। जब वाई की वैल्यू ज़ीरो होती है इसका मतलब है कि वह एक्स एक्सिस पर है, और जब एक्स की वैल्यू ज़ीरो है तो इसका मतलब है वो पॉइंट वाई एक्सिस पर होगा। ये तो क्लियर है। अब देखिए, एक इक्वेशन अगर इस फॉर्म में है, y इज इक्वल्स टू एम एक्स के फॉर्म में, तब वह ओरिजिन से पास होगी। क्या मतलब है इसका, देखिए समझिए। y इज इक्वल्स टू एम एक्स, एम का मतलब क्या है, एम का मतलब है कि m इज अ रियल नंबर। रियल नंबर क्या हो सकते हैं, प्लस का कोई नंबर, माइनस का कोई नंबर, ज़ीरो या फिर कोई फ्रैक्शन। कोई भी अगर इक्वेशन इस फॉर्म में है, y इज इक्वल्स टू टू एक्स के फॉर्म में, तो उसकी जो ग्राफ की लाइन बनेगी वो हमेशा ओरिजिन से पास होगी। ओरिजिन हमें पता है क्या होता है, जहाँ पे x की वैल्यू भी ज़ीरो है, y की वैल्यू भी ज़ीरो है। देखिए सॉल्व करके देखते हैं, अगर x को हमने ज़ीरो लिखा तो टू इंटू ज़ीरो ज़ीरो ही होता है, तो y भी ज़ीरो हो जाएगा। अगर हमने x को वन माना तो टू इंटू वन क्या होता है, टू, तो y की वैल्यू टू हो जाएगी। अगर हमने x को टू माना तो टू इंटू टू फोर, तो y की वैल्यू फोर हो जाएगी। अगर हमने x को माइनस वन माना तो माइनस वन इंटू टू हो गया माइनस टू, तो y की वैल्यू माइनस टू हो जाएगी। जिस तरह से हम ये इस तरह से ब्रैकेट में लिखते हैं, उसी तरह से इनको इस तरह के बॉक्स में लिख सकते हैं, जिसमें हमेशा ऊपर x की वैल्यू आती है, नीचे y की वैल्यू आती है। तो हमने एक बॉक्स बनाया जिसमें चार पॉइंट लिए। अब इन चारों पॉइंट्स को ग्राफ में प्लॉट करके देखते हैं। पहला पॉइंट है ज़ीरो ज़ीरो, मतलब एक्स भी ज़ीरो होना चाहिए, वाई भी ज़ीरो होना चाहिए, तो यहाँ बन गया फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट है वन और टू, मतलब एक्स की वैल्यू होनी चाहिए वन, वन से सीधी लाइन बनाइए, और वाई की वैल्यू होनी चाहिए टू, टू से सीधी लाइन बनाइए। यहाँ पर ये दोनों पॉइंट टकराए हैं, इस पॉइंट को अपन बोलेंगे वन कॉमा टू, ठीक है। सेकेंड देखिए टू फोर, मतलब एक्स की वैल्यू टू, स्ट्रेट लाइन खींचिए, फोर की वाई की वैल्यू फोर, फोर से एक स्ट्रेट लाइन खींचे, यहाँ पर ये दोनों टकरा गए हैं, ये बन गया है टू कॉमा फोर। लास्ट पॉइंट देखिए माइनस वन माइनस टू, मतलब एक्स की वैल्यू होनी चाहिए माइनस वन, स्ट्रेट लाइन, और वाई की वैल्यू होनी चाहिए माइनस टू, यहाँ से भी स्ट्रेट लाइन। ये इंटरसेक्ट किए जिस पॉइंट पे उसको हम बोलेंगे माइनस वन माइनस टू। अब इन चारों पॉइंट को जोड़ते हुए एक स्ट्रेट लाइन खींचिए, इस लाइन को दोनों तरफ एरो होने चाहिए, मतलब ये दोनों तरफ एक्सटेंड हो सकती है लाइन, और ये लाइन किसको रिप्रेजेंट करती है, y इज इक्वल्स टू टू एक्स को रिप्रेजेंट करती है। तो इसका मतलब ये कि इस फॉर्म में अगर कोई भी इक्वेशन होगी तो वह ओरिजिन से पास करेगी। एक्सरसाइज 4.3, क्वेश्चन नंबर वन, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। अब हमें लीनियर इक्वेशंस दे रखी हैं, अब इनको टू वेरिएबल्स के फॉर्मेट में है ये, तो हम किसी एक वेरिएबल का अगर वैल्यू चेंज करेंगे तो दूसरे वैल्यू की, वेरिएबल की दूसरी वैल्यू आ जाएगी। इनके कम से कम दो पॉइंट बनाने हैं हमको और ग्राफ में प्लॉट करना है। पहली इक्वेशन है एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू फोर, यहाँ पर हमने फर्स्ट टाइम लिया है एक्स इज इक्वल्स टू ज़ीरो, तब इस इक्वेशन में x की जगह 0 डालिए, बन गई इक्वेशन 0 प्लस y इज इक्वल्स टू 4, मतलब y की वैल्यू आ गई 4, तो हमें आंसर मिल गया है 0 कॉमा 4। सेकेंड पॉइंट में हमने लिया x इज इक्वल्स टू 1, इस इक्वेशन में x की जगह 1 रख के देखिए, 1 प्लस y इज इक्वल्स टू 4, तो ये 1 इधर ट्रांसफर हो जाएगा, तो y इज इक्वल्स टू 4 माइनस 1 विच इज 3, तो अब हमें पॉइंट मिल गया दूसरा 1 कॉमा 3। आइए इनको प्लॉट करते हैं। मैंने यहाँ पर x की अलग अलग वैल्यू ली है, आप चाहें तो y की अलग अलग वैल्यू लीजिए, चाहे आप एक x की वैल्यू एक y की वैल्यू लीजिए, ग्राफ आपका यही बनेगा। पहला है 0 4, मतलब जब x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 4, यहाँ पर बनेगा पॉइंट 0 कॉमा 4। नेक्स्ट है 1 कॉमा 3, मतलब x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 3 है, दोनों की लाइन जहाँ इंटरसेक्ट कर रही है ये पॉइंट बन गया 1 कॉमा 3। दोनों को जोड़ते हुए हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी है, इस लाइन को रिप्रेजेंट क्या करते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4 को रिप्रेजेंट करती है। सेकेंड पार्ट देखिए इसका, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2, इसमें भी हमने एक बार x को 0 माना है, एक बार x को 1 माना है। पहले जब x को 0 माना है तो 0 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2, मतलब माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2, अब माइनस को इधर ट्रांसफर कर दिया तो y इज इक्वल्स टू माइनस 2, मतलब जब ब्रैकेट में देखिए 0 कॉमा माइनस 2, जब x 0 होगा तो y माइनस 2 होगा। सेकेंड कंडीशन हमने लिए x इज इक्वल्स टू 1, 1 माइनस y इज इक्वल्स टू 2,
अब ये वन जब इधर ट्रांसफर होगा तो ये माइनस का हो जाएगा, तो इक्वेशन क्या हुई हमारी, माइनस वाई इज इक्वल्स टू टू माइनस वन, टू माइनस वन इज नथिंग बट वन, और माइनस वाई का जो है वो इधर ट्रांसफर कर देंगे तो आंसर हो जाएगा माइनस वन। तो हमारा ब्रैकेट है वन माइनस वन, मतलब जब एक्स वन होगा तो वाई माइनस वन आएगा। आइए इन दोनों को प्लॉट करते हैं। आप पहले ग्रिड बनाइए, कार्टेशियन प्लेन बनाइए। सबसे पहले प्लॉट करना है हमको जीरो माइनस टू, मतलब जब एक्स की वैल्यू जीरो है तो वाई की वैल्यू माइनस टू है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है जीरो माइनस टू का। नेक्स्ट पॉइंट है वन माइनस वन, मतलब जब एक्स की वैल्यू वन है, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कीजिए, तब वाई की वैल्यू माइनस वन है। यहाँ से भी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कीजिए, जहाँ ये दोनों इंटरसेक्ट हो रही हैं वो पॉइंट है वन माइनस वन का। दोनों पॉइंट को जोड़ते हुए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कीजिए, ये स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करती है x माइनस वाई इज इक्वल टू टू को। थर्ड पार्ट देखिए, y इज इक्वल्स टू थ्री एक्स। अभी हमने थोड़ी देर पढ़ा था ये किस फॉर्म में है, y इज इक्वल्स टू एम एक्स के फॉर्म में। यहाँ m की जगह क्या वैल्यू है, थ्री, तो इसका मतलब क्या हुआ, इस फॉर्मेट में है तो ये ग्राफ ज़रूर ओरिजिन को क्रॉस करेगा, मतलब एक पॉइंट ऐसा आएगा जब दोनों की वैल्यू जीरो जीरो होगी। करके देखते हैं, x इज इक्वल्स टू जीरो की वैल्यू इस इक्वेशन में डालिए, तो y इज इक्वल्स टू थ्री इंटू जीरो, किसी से भी जीरो का मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर जीरो आएगा, सो y इज इक्वल्स टू जीरो। सो पहला ब्रैकेट हमको मिल गया जीरो जीरो, मतलब जब x की वैल्यू जीरो है तो y की वैल्यू भी जीरो आएगी। सेकेंड ब्रैकेट के लिए हमने लिया है x इज इक्वल्स टू वन, इस इक्वेशन में x की जगह वन डालिए, y इज इक्वल्स टू थ्री इंटू वन, थ्री इंटू वन इज वॉट, थ्री, तो ब्रैकेट में हमें मिल गया है वन कॉमा थ्री, मतलब जब एक्स की वैल्यू वन होगी तो वाई की वैल्यू थ्री होगी। ग्राफ प्लॉट करते हैं, पहला पॉइंट है जीरो जीरो, मतलब जब एक्स भी जीरो वाई भी जीरो, यहाँ है फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट है वन थ्री, मतलब एक्स जब वन है, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कीजिए, तब वाई थ्री है, तो थ्री यहाँ से स्ट्रेट लाइन, ये जहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं ये पॉइंट हमको मिल गया वन कॉमा थ्री का। अब इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कीजिए, ये लाइन है y इज इक्वल्स टू थ्री एक्स फॉर्म की। फोर्थ देखिए, इक्वेशन गिवन है हमें थ्री इज इक्वल्स टू टू एक्स प्लस वाई। अब x की वैल्यूज को राइट लेफ्ट हैंड साइड पे ट्रांसफर किया तो ये माइनस की बन गई, तो इक्वेशन अब हो गई हमारी माइनस टू एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू थ्री, या प्लस थ्री इज इक्वल्स टू जीरो। पहली बार हमने x की वैल्यू को जीरो करके लिखा है, देखिए, सो माइनस टू इंटू जीरो माइनस वाई प्लस थ्री इज इक्वल्स टू जीरो, सो माइनस टू इंटू जीरो इज जीरो, और थ्री को जब इधर ट्रांसफर करेंगे तो वो माइनस का थ्री बन जाएगा, तो हमारी इक्वेशन हो गई माइनस वाई इज इक्वल्स टू माइनस थ्री, माइनस माइनस कैंसिल हो गए तो वाई की वैल्यू हो गई थ्री, तो ब्रैकेट हमको मिला जीरो कॉमा थ्री, मतलब जब एक्स जीरो होगा तो वाई थ्री हो जाएगा। सेकेंड टाइम हमने एक्स को वन अज्यूम किया है, इक्वेशन में एक्स की जगह वन लिखी है, हो गया माइनस टू इंटू वन माइनस वाई प्लस थ्री इज इक्वल्स टू जीरो। अब माइनस टू इंटू वन इज टू, माइनस का टू, लेकिन जब इज इक्वल टू इधर ट्रांसफर होगा तो वो प्लस का टू बन जाएगा, ऐसे ही ये प्लस का थ्री जब इधर ट्रांसफर करेंगे तो माइनस का थ्री बन जाएगा, तो हमारी इक्वेशन हो गई है माइनस वाई इज इक्वल्स टू माइनस थ्री प्लस टू, माइनस थ्री प्लस टू सॉल्व करेंगे तो आएगा आंसर यहाँ माइनस वन, इसका माइनस और इसका माइनस कैंसिल हो जाएगा तो वाई की वैल्यू हो जाएगी वन, तो हमें ब्रैकेट में मिला वन कॉमा वन, मतलब जब एक्स वन है तो वाई भी वन है, दो पॉइंट मिल गए। आइए प्लॉट करिए, पहला पॉइंट है जीरो थ्री, मतलब जब एक्स की वैल्यू जीरो है तो वाई की वैल्यू होनी चाहिए थ्री, ये पॉइंट है जीरो थ्री का। सेकेंड है वन वन, मतलब एक्स भी वन वाई भी वन, दोनों तरफ से स्ट्रेट लाइन लीजिए जहाँ इंटरसेक्ट कर रही हैं, ये पॉइंट हो गया वन वन। दोनों को ज्वाइन करते हुए हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी है, इस स्ट्रेट लाइन की वैल्यू है थ्री इज इक्वल्स टू टू एक्स प्लस वाई। क्वेश्चन नंबर टू, गिव द इक्वेशंस ऑफ टू लाइंस पासिंग थ्रू 214, हाउ मेनी मोर सच लाइंस आर देयर एंड व्हाई। ये कह रहे हैं कि ऐसी कोई दो इक्वेशन बताइए जो कि 214 को पास करती हो, मतलब जब x हो 2 और y हो 14, ऐसे पॉइंट को पार करने वाली कोई सी भी दो इक्वेशन बताइए। सेकेंड पार्ट है क्वेश्चन का कि ऐसी कितनी लाइंस हैं हो सकती हैं और क्यों। सो पहले हमने ये अज्यूम किया है कि इक्वेशन ये बनेगी x प्लस वाई इज इक्वल्स टू के, ऐसी कोई लाइन है, हमने ये माना कि ये फॉर्मूला है। आप x माइनस वाई भी इज इक्वल्स टू के भी कर सकते हैं, मैंने यहाँ सिंपल ले लिया है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू के।
अब यहाँ के की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, कोई कांस्टेंट है ये। हमें यहाँ गिवन है कि एक्स इज इक्वल्स टू टू एंड वाई इज इक्वल्स टू 14। वैल्यूज पुट कीजिए इक्वेशन में तो हो जाती है इक्वेशन 2 + 14 इज इक्वल्स टू के। तो हमें के की वैल्यू मिल गई है 16। अब हमारी इक्वेशन बन गई है एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 16। ये जब इक्वेशन होगी और इसका ग्राफ अगर हम प्लॉट करें तो ये 2 14 को क्रॉस करेगी, एक पॉइंट इसका ये होगा। सेकेंड हमने मानी इक्वेशन 2x + 3y इज इक्वल्स टू के डैश। अब ये के डैश दूसरा कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू कुछ और आएगी। मैंने यहाँ 2x 3y लिया है, आप 3x 2y भी करके लिख सकते हैं। इसमें वैल्यूज यही जाएंगी, x की जगह 2 और y की जगह 14। सॉल्व कीजिए 2 × 2 + 3 × 14। 2 × 2 होता है 4, 3 × 14 होता है 42, विच मीन्स 46। सो के डैश की वैल्यू 46। तो अब हमारी इक्वेशन क्या बन गई, 2x + 3y इज इक्वल्स टू 46। ये इसका जब भी हम ग्राफ बनाएंगे तो ये 2 14 को क्रॉस करेगी। ये हुआ फर्स्ट पोर्शन का आंसर। दो हमने इक्वेशन बता दी, एक इक्वेशन थी x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 16 और दूसरी इक्वेशन थी 2x + 3y इज इक्वल्स टू 46। अब ऐसी इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज़ हैं, आप इतनी इस तरह से कितनी भी तरह की कि आप इक्वेशंस बना सकते हैं जो कि 2 और 14 को जा सकती है। सो इन्फिनिट नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स आर पॉसिबल बिकॉज दिस इज़ अ एग्जाम्पल ऑफ अ लीनियर इक्वेशन विथ टू वेरिएबल्स। और हमको पता है लीनियर इक्वेशन विथ टू वेरिएबल्स की ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन आता है। क्वेश्चन नंबर 3, इफ द पॉइंट 3 4 लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन 3y ax + 7, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। ये कह रहे हैं कि एक इक्वेशन है 3y ax + 7 और इसका एक ग्राफ में एक पॉइंट है 3 4, मतलब आगे वाला नंबर क्या होता है, हमेशा x होता है। तो x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू 4 है, ये गिवन है। हमको सिंपली ये a की वैल्यू निकालनी है, सॉल्व करके कर सकते हैं। x इज इक्वल्स टू 3, y इज इक्वल्स टू 4, इक्वेशन में दोनों की वैल्यूज डालिए। 3 × 4, याद रखिए यहाँ y है, ध्यान रखिएगा वैल्यूज आप कहाँ डाल रहे हैं। सो 3 × 4 इज इक्वल्स टू a × 3 + 7। सॉल्व कीजिए 3 × 4 इज 12, 12 इज इक्वल्स टू 3a + 7। अगर हम 7 को इधर ट्रांसफर करें तो क्या हो जाएगा 3a की वैल्यू, 3a इज इक्वल्स टू 12 - 7 विच इज 5। तो a की वैल्यू हो गई 5/3। क्वेश्चन नंबर 4, द टैक्सी फेयर इन अ सिटी इज एज फॉलोज। फॉर द फर्स्ट किलोमीटर द फेयर इज ₹8 एंड फॉर द सब्सिक्वेंट डिस्टेंस इट इज ₹5 per kilometer। ये कह रहे हैं किसी शहर की कोई टैक्सी की रेट ये है कि जब भी वो कहीं जाएगा टैक्सी तो पहले किलोमीटर के लिए वो ₹8 लेगा और उसके बाद आप जितने भी किलोमीटर ट्रैवल करेंगे उसके लिए वो ₹5 लेगा। टेकिंग द डिस्टेंस कवर्ड एज एक्स किलोमीटर एंड टोटल फेयर एज ₹y, राइट अ लीनियर इक्वेशन फॉर दिस इन्फॉर्मेशन एंड ड्रॉ इट्स ग्राफ। ये कह रहे हैं कि अगर टोटल डिस्टेंस उसने x किलोमीटर ट्रैवल करा है और टोटल किराया उसका ₹y है तो इसकी एक लीनियर इक्वेशन बनाइए और फिर उसका ग्राफ बनाइए। देखिए कंडीशन के हिसाब से क्या है, टोटल फेयर मतलब टोटल किराया कितना है, पहले किलोमीटर के लिए ₹8 प्लस बचे हुए किलोमीटर के लिए ₹5, ये इक्वेशन है। और यहाँ गिवन है कि टोटल किराया है y और टोटल डिस्टेंस है x। तो अब इक्वेशन कैसे बनेगी, y मतलब टोटल फेयर इज इक्वल्स टू 8 × 1 किलोमीटर, सो पहले किलोमीटर के लिए 8 हो गया, प्लस x - 1 × 5। अब यहाँ x - 1 हमने इसलिए लिया है क्योंकि टोटल डिस्टेंस x था और इसमें से 1 किलोमीटर हमने यहाँ पे 8 से इंटू करने के लिए आगे ले लिया है, तो बचा कितना, x - 1 ही तो बचे, तो x - 1 × 5 क्योंकि बचे हुए किलोमीटर्स को 5 से मल्टीप्लाई करना है। तो अब हमारी इक्वेशन हो गई है y = 8 + 5 × x - 1। ये फर्स्ट पोर्शन हो गया। अब सेकंड पोर्शन है इस क्वेश्चन का कि आप इसका ग्राफ बनाइए। तो इक्वेशन हमने बना ली है, अब इसका ग्राफ बना सकते हैं हम। सबसे पहले हमने x की वैल्यू ली है 1, तब इस इक्वेशन में x की जगह 1 डालिए, आ गया आंसर y = 8 + 5 × 1 - 1। 1 - 1 इज 0, सो 0 × 5 becomes 0, सो y = 8। हमें ब्रैकेट मिला है 1, 8, मतलब जब x की वैल्यू 1 होगी तो y की वैल्यू 8 हो जाएगी।
सेकेंड टाइम हमने लिया x इज इक्वल्स टू टू, इसी इक्वेशन में अब x की जगह 2 डालिए, y इज इक्वल्स टू 8 प्लस 5 इंटू 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 इज 1, सो 1 इंटू 5 इज 5, सो y की वैल्यू हो गई 8 प्लस 5 यानी कि 13। तो हमें दूसरा ब्रैकेट मिल गया है 2 कॉमा 13, मतलब जब x 2 होगा तो y होगी 13। ग्राफ में प्लॉट करना है दोनों पॉइंट। पहला पॉइंट था 1 8, मतलब जब x की वैल्यू 1 होगी तो y की वैल्यू 8 हो गई। यहाँ से स्ट्रेट लाइन खींची, 1 से स्ट्रेट लाइन खींची, जहाँ पे दोनों इंटरसेक्ट हुए ये पॉइंट कहलाएगा 1 कॉमा 8। सेकेंड वैल्यू थी 2 13, मतलब जब x की वैल्यू 2 होगी, स्ट्रेट लाइन खींची इधर से, तब 13 की होगी y की वैल्यू, यहाँ से भी स्ट्रेट लाइन खींची, जहाँ इंटरसेक्ट हो रहा है ये पॉइंट है 2 13 की। अब इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करते हुए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कीजिए, ये लाइन रिप्रेजेंट करती है हमारी इक्वेशन y इज इक्वल्स टू 8 प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 1। क्वेश्चन नंबर 5, फ्रॉम द चॉइसेस गिवन बिलो चूज द इक्वेशन हुज ग्राफ आर गिवन इन द फिगर्स 4.6 एंड 4.7। अब यहाँ पे क्वेश्चन उल्टा हो गया, इन्होंने क्या करा, एक ग्राफ दे दिया हमको और उसमें अपन को समझना है कि कौन से पॉइंट्स हैं, और तीन चार इक्वेशंस दे दिए कि उनमें से बताइए सही इक्वेशन कौन सी है। पहला ग्राफ 4.6 देखिए, इसमें ये एक लाइन है, इसके तीन पॉइंट्स मिल रहे हैं हमको। एक है पॉइंट माइनस वन वन, जब एक्स माइनस वन होगा तो वाई वन होगा। दूसरा पॉइंट है 0 0, तीसरा पॉइंट है 1 माइनस 1, मतलब एक्स वन होगा तब वाई माइनस वन का होगा। अब हमें ऐसी इक्वेशन ढूंढनी है जो ये तीनों कैटेगरीज सॉल्व करें। आइए इसके देखें, 4.6 के लिए चार हमें एक ऑप्शन दिए गए हैं, y इज इक्वल्स टू एक्स, दूसरे है x प्लस y इज इक्वल्स टू 0, तीसरा है y इज इक्वल्स टू 2x, और चौथा है 2 प्लस 3y इज इक्वल्स टू 7x। जब हमने सॉल्व करके देखा तो इसका आंसर आ रहा है सेकेंड, x प्लस y इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि x अगर 0 होगा तो y की वैल्यू 0 होगी, x अगर 1 है तो y की वैल्यू आती है 1 प्लस y इज इक्वल्स टू 0 यानी 1 इज इक्वल्स टू माइनस 1, और अगर x को हम माइनस 1 मानेंगे तो y की वैल्यू आएगी प्लस 1। दूसरा डायग्राम देखिए 4.7, इसमें देखिए ये ग्राफ में हमें जो तीन पैरामीटर्स मिले हैं वो हैं माइनस 1 3, मतलब जब x माइनस 1 है तो y की वैल्यू 3 है, 0 2, जब x 0 है तो y की वैल्यू 2 है, और 2 0, मतलब जब x 2 है तो y की वैल्यू 0 है। आइए इसके ऑप्शंस देखते हैं, इसका है गिवन y इज इक्वल्स टू x प्लस 2, सेकेंड है y इज इक्वल्स टू x माइनस 2, थर्ड है y इज इक्वल्स टू माइनस x प्लस 2, एंड फोर्थ इज x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 6। सब इक्वेशंस में एक एक बार आप वैल्यूज पुट करके देखिए, इसमें है आंसर थर्ड, y इज इक्वल्स टू माइनस x प्लस 2। जब हमने x की वैल्यू माइनस 1 डाली तो सॉल्व करके देखिए y की वैल्यू क्या हुई, माइनस ऑफ माइनस 1 प्लस 2, माइनस माइनस कैंसल, 1 प्लस 2 इज 3, सो माइनस 1 3। सेकेंड है इसकी 0 2, जब x की वैल्यू आप 0 रखेंगे तो y की वैल्यू 2 ही आएगी, और जब y की वैल्यू 0 रखेंगे तो माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 2, यानी जब 2 उधर जाएगा तो माइनस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस 2, माइनस माइनस कैंसिल, तो x वुड बी इक्वल टू 2। तो तीनों जो कंडीशंस हैं वो सिर्फ ये थर्ड इक्वेशन सॉल्व कर रही है। क्वेश्चन नंबर 6, इफ द वर्क डन बाय अ बॉडी ऑन एप्लीकेशन ऑफ अ कॉन्स्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी, ये आप पहले पढ़ चुके होंगे साइंस में होपफुली, जिसमें ये दे रखा है कि अगर किसी बॉडी पर कांस्टेंट फोर्स लगाया जाए तो वो जितना डिस्टेंस ट्रैवल करती है वो उससे प्रोपोर्शनल होता है उसका वर्क डन। एक्सप्रेस दिस इन द फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स एंड ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द सेम बाय टेकिंग द कांस्टेंट फोर्स एज 5 यूनिट। अब ये कह रहे हैं कि एक तो पहले तो इनका आप इक्वेशन बनाइए 2 वेरिएबल की, फिर उसका ग्राफ प्लॉट करिए, और यहाँ पे गिवन ये है कि जो कांस्टेंट फोर्स है उसकी वैल्यू है 5 यूनिट्स। ऑल्सो रीड फ्रॉम द ग्राफ द वर्क डन व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इज 2 यूनिट एंड 0 यूनिट। जब आप ग्राफ प्लॉट कर लें तो उससे पढ़ के बताइए कि कितना वर्क डन होगा अगर बॉडी 2 यूनिट डिस्टेंस ट्रेवल करे या 0 यूनिट डिस्टेंस ट्रेवल करे। आइए सबसे पहले हम इसकी इक्वेशन बनाते हैं। हमें ये गिवन है कि कॉन्स्टेंट फोर्स एफ जो है वो 5 है,
हमने माना है कि जो वर्क डन है वो वाई है और जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है वो एक्स है। आप इसमें उल्टा भी मान सकते हैं, वर्क डन को एक्स रख सकते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल को वाई रख सकते हैं, पर यहाँ स्पेसिफाई कीजिए कि आप किसे मान रहे हैं। तो वर्क डन का क्या फॉर्मूला होता है? फोर्स इंटू डिस्टेंस ट्रेवल्ड। हमने वर्क डन को वाई माना है, फोर्स हमें गिवन है 5 और डिस्टेंस ट्रेवल हो गया एक्स। तो हमारी इक्वेशन है वाई इज इक्वल्स टू 5x। अब इसमें अलग अलग वैल्यू पुटअप करके देखिए। फर्स्ट हमने माना एक्स इज इक्वल्स टू 0, तब क्या होगा? वाई इज इक्वल्स टू 5x में 5 इंटू 0, एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाई 0 इज अ 0, सो वाई इज इक्वल्स टू 0। सो फर्स्ट हमें पॉइंट मिल गया 0 0, मतलब जब एक्स 0 है तो वाई भी 0 है। सेकेंड कैटेगरी में हमने लिया एक्स इज इक्वल्स टू 1, मतलब वाई इज इक्वल्स टू 5 इंटू 1 विच इज इक्वल्स टू 5, ब्रैकेट हमें मिला 1,5। थर्ड हमने कंडीशन ली एक्स इज इक्वल्स टू 2, यानी वाई इज इक्वल्स टू 5 इंटू 2 विच इज 10, सो ब्रैकेट हमें मिला 2,10 का। और लास्टली हमने लिया एक्स इज इक्वल्स टू 3, सो वाई इज इक्वल्स टू 5 इंटू 3 विच इज 15, तो हमें ब्रैकेट मिला 3,15। इस तरह से हमें 4 पॉइंट मिले। अब उसने प्लॉट करना है। पहला पॉइंट था हमारा 0 0 का, जहाँ x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू भी 0 है, ये हमें फर्स्ट पॉइंट मिल गया। सेकेंड पॉइंट था 1 5, जब x 1 पर है हमने उससे स्ट्रेट लाइन खींची, 5 से स्ट्रेट लाइन खींची, यहाँ आया हमारा पॉइंट 1 5। सेकेंड था 2 10, जब x की वैल्यू 2 होगी तो y की वैल्यू 10 होगी, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है हमारा 2 10 का। थर्ड था 3 15, जब x की वैल्यू 3 होगी तो y की वैल्यू 15 होगी, दिस बिकम्स 3 15। इन चारों पॉइंट्स को हमने स्ट्रेट लाइन से ड्रॉ किया और ये रिप्रेजेंट करता है y इज इक्वल्स टू 5x को। ये ध्यान रखिए, इक्वेशन जो हमने बनाई थी ये y इज इक्वल्स टू ax के फॉर्म में थी, इसलिए ये ओरिजिन से क्रॉस कर रही है। अब लास्ट पोर्शन देखिए, जब वो कह रहा है कि जब डिस्टेंस 2 यूनिट ट्रेवल हुआ तो कितना वर्क डन हुआ, यानी x अगर 2 है तो y कितना होना चाहिए? y इज इक्वल्स टू 5x, तो 5 इंटू 2 इज 10, तो वर्क डन हो गया 10 यूनिट्स। सेकेंड था x इज इक्वल्स टू 0, जब x 0 होगा तो y इज इक्वल्स टू 5x, तो 5 इंटू 0 इज 0, जब डिस्टेंस ट्रेवल 0 है तो वर्क डन भी 0 होगा। क्वेश्चन नंबर 7, यामिनी एंड फातिमा, टू स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th ऑफ अ स्कूल, टुगेदर कंट्रीब्यूटेड रुपीज 100 टूवर्ड्स अ प्राइम मिनिस्टर्स रिलीफ फंड टू हेल्प द अर्थक्वेक विक्टम। अर्थक्वेक के विक्टम को की मदद करने के लिए प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में यामिनी और फातिमा ने दोनों ने मिलकर 100 रुपये जमा कराए। राइट अ लीनियर इक्वेशन विच सेटिस्फाई दिस डाटा। अब आपको इस डाटा के ऊपर एक लीनियर इक्वेशन बनानी है और उस पर एक ग्राफ भी बनाना है। तो पहला हमने क्या अज्यूम करा कि कंट्रीब्यूशन मेड बाय यामिनी इज एक्स एंड कंट्रीब्यूशन मेड बाय फातिमा इज वाई। दोनों के कंट्रीब्यूशन मिला के 100 रुपीज़ हो रहे थे, तो इक्वेशन क्या बनेगी? x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 100। अब हमें इक्वेशन मिल गई है तो हम ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। हमने तीन वैल्यूज ली, x इज इक्वल्स टू 0, हमें आंसर मिला 0,100। फिर हमने लिया x इज इक्वल्स टू 10, हमें डिटेल्स मिली 10,90। जब x 10 होगा तो y की वैल्यू 90 आएगी। लास्ट है x इज इक्वल्स टू 20, मतलब जब x की वैल्यू 20 है तो y की वैल्यू आएगी 80। अब इन तीनों पॉइंट्स को हमने प्लॉट किया है। अब हमने ग्राफ की यूनिट ली है 1 यूनिट इज इक्वल्स टू 10, हमने 1 यूनिट को 10 माना है। पहला है हमारा 0 100, जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू होगी 100। सेकेंड है हमारा 10 90, जब x होगा 10, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कीजिए तो y होगा 90, स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्टिंग पॉइंट, ये हमें मिल गया 10 90 का। लास्टली हमने लिया 20 80, जब x की वैल्यू 20 है तो y की वैल्यू 80 होगी, तो ये पॉइंट हमें मिल गया 20 80 का। अब हमें एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है और ये लाइन रिप्रेजेंट करती है x प्लस y इज इक्वल्स टू 100 को। क्वेश्चन नंबर 8, इन कंट्रीज लाइक USA एंड कैनेडा टेम्परेचर इज मेजर्ड बाय फारेनहाइट, वेयर एज इन कंट्रीज लाइक इंडिया इट इज़ मेजर्ड इन सेल्सियस। हमें पता है टेम्परेचर मेजर के लिए दो तरीके होते हैं, फारेनहाइट और सेल्सियस। इंडिया में सेल्सियस फॉलो करते हैं, अमेरिका में फारेनहाइट। हियर इज़ अ लीनियर इक्वेशन दैट कन्वर्ट्स फारेनहाइट टू सेल्सियस। अब क्वेश्चन में गिवन है इक्वेशन कि फारेनहाइट से सेल्सियस किस तरह बनाया जा सकता है। फारेनहाइट इज इक्वल्स टू 9/5 इंटू सी,
प्लस 32। अब क्वेश्चन क्या है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन अबव यूजिंग सेल्सियस फॉर एक्स एक्सेस एंड फ़ारेनहाइट फॉर वाई एक्सेस। अब ये कह रहे हैं कि इस इक्वेशन का आप ग्राफ बनाइए, ये मान के चलिए कि सेल्सियस जो है वो है एक्स और फ़ारेनहाइट जो है वो है वाई। बना सकते हैं अलग अलग वैल्यू, अगर हम सेल्सियस के लेंगे तो हमें फ़ारेनहाइट की अलग अलग वैल्यू मिल जाएगी। अब इस फॉर्म इक्वेशन में हमने पहले डाला है सी इज इक्वल्स टू ज़ीरो, सो फ़ारेनहाइट इज इक्वल्स टू 9/5 इंटू ज़ीरो प्लस 32। किसी भी चीज़ को ज़ीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो ज़ीरो हो जाएगा, तो फ़ारेनहाइट इज 32। ब्रैकेट में हमें मिल गया 0, 32, मतलब जब सेल्सियस ज़ीरो होगा तो फ़ारेनहाइट की वैल्यू 32 आएगी। सेकेंड में हमने सेल्सियस को 5 माना है, 5 इसलिए माना क्योंकि हमारे जो फ्रैक्शन दे रखा है उसका डिनोमिनेटर 5 है, तो 5 से कैंसिल हो जाए, हमने वो मल्टीपल लिए हैं। सो फ़ारेनहाइट इज़ 9/5 इंटू 5 प्लस 32, 5 से 5 कैंसिल, 9 + 32 इज़ 41, तो ब्रैकेट हमें मिला 5, 41। थर्ड हमने लिया सी इज इक्वल्स टू 10, मतलब फ़ारेनहाइट इज इक्वल्स टू 9/5 इंटू 10 प्लस 32, 5 × 2 = 10, 2 × 9 = 18, 18 + 32 इज़ 50, तो हमें पॉइंट मिल गया 10, 50। इसको प्लॉट करना है, इस बार भी हमने ग्राफ में 1 यूनिट को 10 यूनिट माना है। पहला हमारा पॉइंट था 0, 32, एक्स की वैल्यू यहाँ पर 0 है और वाई की वैल्यू 32 है, 30 से जस्ट 2 पॉइंट्स ऊपर। सेकेंड था हमारा 5, 41, जब एक्स की वैल्यू 5 होगी स्ट्रेट लाइन लीजिए तो वाई की वैल्यू 41 होगी, यहाँ पे हमें पॉइंट मिल जाएगा 5, 41। लास्ट हमने लिया था 10, 50, जब एक्स की वैल्यू 10 है स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कीजिए तो वाई की वैल्यू 50 होगी, इट टचेज अ पॉइंट हियर इट इज़ 10, 50। तीनों पॉइंट को जोड़ते हुए एक स्ट्रेट लाइन बनाइए। यहाँ ध्यान रखेंगे ग्राफ प्लॉट करते टाइम कि सेल्सियस है एक्स एक्सिस पर और फ़ारेनहाइट है वाई एक्सिस पर। ये पूरी लाइन जो है वो किसको रिप्रेजेंट करती है, 5 f = 9/5 c × 32। सेकेंड पार्ट देखिए इस क्वेश्चन का, ये कह रहे हैं इफ़ द टेम्परेचर इज 30 डिग्री, वॉट इज़ द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। अगर सेल्सियस में देखें 30 डिग्री है तो फ़ारेनहाइट में कितना होता है, सिंपली उस इक्वेशन में सी की जगह 30 का वैल्यू डालिए। सो 9 × 6 + 32 इज 86, फ़ारेनहाइट 86 होगा अगर सेल्सियस 30 है तो। थर्ड पार्ट देखिए, इफ़ द टेम्परेचर इज 95 डिग्री फ़ारेनहाइट, वॉट इज़ द टेम्परेचर इन सेल्सियस। अब ये उसका उल्टा हो गया, ये कह रहे हैं कि इक्वेशन में एफ की जगह 95 लिख दो तो सी की क्या वैल्यू आएगी, सॉल्व कर सकते हैं हम। 9/5 सी इज़ वॉट 95, 32 को इधर ट्रांसफ़र कीजिए, -32 विच इज 63। अब जब फ्रैक्शन को हम राइट हैंड साइड ट्रांसफ़र करते हैं तो वो रेसिप्रोकल हो जाता है, मतलब 9/5 हो जाएगा 5/9, सिंबल वही रहता है। तो सेल्सियस की वैल्यू हो गई 63 × 5/9, 9 × 7 = 63 और 7 × 5 = 35। तो जब 95 फ़ारेनहाइट है इसका मतलब है कि डिग्री में वो कितना है, 35। फोर्थ पोर्शन देखिए, इफ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री, व्हाट इज द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट एंड इफ द टेम्परेचर इज 0 फ़ारेनहाइट, व्हाट इज द टेम्परेचर इन सेल्सियस। ये कह रहे हैं अगर सी 0 होगा तो फ़ारेनहाइट कितना होगा और अगर एफ 0 है तो फ़ारेनहाइट तो सेल्सियस कितना होगा, करके देखते हैं। सी 0 है तो फ़ारेनहाइट क्या हुआ, 9/5 × 0 + 32, दिस बिकम 0, बचा क्या 32। अगर सेल्सियस 0 है तो फ़ारेनहाइट 32 है, ये अपन पहले भी कर चुके हैं। सेकेंड पोर्शन देखिए, फ़ारेनहाइट अगर 0 है तो उस इक्वेशन में 0 रख दीजिए एफ की जगह, तो 0 = 9/5 c + 32, मतलब 9/5 c = -32, क्योंकि 32 को अपन ने इधर ट्रांसफ़र किया। अब 9/5 को जब इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो वो क्या फ्रैक्शन बन जाएगा, 5/9, सो c = -32 × 5/9। अब ये 9 से 32 कैंसिल नहीं होता तो सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे, 32 × 5 हो जाता है -160/9, सो ये आंसर भी सही है और अगर आप पूरा सॉल्व करना चाहें तो 17.8 डिग्री। सो आंसर क्या है, अगर फ़ारेनहाइट होगा 0 तो सेल्सियस होगा -17.8। फिफ्थ पार्ट देखिए, इज देयर अ टेम्परेचर विच इज़ न्यूमेरिकली द सेम इन बोथ फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस, इफ यस फाइंड इट। ये कह रहे हैं ऐसा कोई टेम्परेचर है जब एफ की वैल्यू और सी की वैल्यू सेम हो, कर सकते हैं हम। यहाँ पे हमें कंडीशन का ये ध्यान रखना पड़ेगा कि F को हमने X माना और C को भी हमने X माना, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में है कि दोनों फ़ारेनहाइट और सेल्सियस सेम हो, तो हमने A की वैल्यू रखी है, फ़ारेनहाइट भी X है
और सेल्सियस भी एक्स डिग्री है। तो इस फॉर्मूले में हम एफ़ की जगह भी एक्स रखेंगे और सी की जगह भी एक्स रखेंगे और फिर सॉल्व करके एक्स की वैल्यू निकालिए। सो एक्स इज इक्वल्स टू 9/5 × x + 32। अब एक्स की वैल्यूज़ को हमने इज इक्वल टू किधर ट्रांसफ़र कर दिया, बन गया एक्स माइनस 9/5 x इज इक्वल्स टू 36, 32। अब इन दोनों में क्या टर्म कॉमन है, एक्स कॉमन है, तो एक्स को हमने बाहर ले लिया, एक्स इंटू 1 - 9/5 इज इक्वल्स टू 32। अब 1 - 9/5 को एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है एक्स इंटू -4/5 इज इक्वल्स 32। अब ये -4/5 को जब हम इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो ये बन जाएगा -5/4। फ्रैक्शन रेसिप्रोकल हो जाता है, सिंबल वही रहता है। तो एक्स इज इक्वल्स टू 32 × -5/4। 4 8 = 32, 8 × -5 = -40। यानी कि x की वैल्यू आई है -40, मतलब -40 सेंटीग्रेड पर, सेल्सियस पर, और -40 फारेनहाइट पर दोनों का टेम्परेचर सेम होगा। अब इक्वेशंस ऑफ लाइंस पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। अभी तक हमने जो भी लीनियर इक्वेशंस देखी विद टू वेरिएबल्स वो स्ट्रेट लाइन तो बनती थी पर हमेशा स्लांटेड होती थी, इस तरफ जा रही है उस तरफ जा रही है, पैरेलल लाइन नहीं बनी थी। पर अब देखिए, अगर हमारे पास ऐसे कोई पॉइंट हो 2 0 4 0 1 0 - 1 0, इन सब में मतलब क्या है, सब में y इज इक्वल्स टू 0, मतलब इसी लाइन पर, इस लाइन पर y इज इक्वल्स टू 0, सिर्फ x की वैल्यू बदल जा रही है, तो ये पॉइंट्स कहाँ पर आएंगे, x एक्सिस पर आएंगे। इसी तरह अगर इसका उल्टा हो, अगर सारी वैल्यूज़ में x की वैल्यू 0 हो, तो जब इसे प्लॉट करेंगे तो ये कहाँ बनेगी, ये सारे y एक्सिस पर बनेंगे। अब इसकी इक्वेशन देखिए, अगर हमें गिवन हो x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0, इसको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करें। देखिए इस इक्वेशन में y तो है नहीं, तो हम पहले भी देख चुके हैं जब y नहीं होता तो हम उसको अज्यूम करते हैं 0 × y के फॉर्म में, तो हमारी इक्वेशन बन गई एक्स प्लस 0 × y - 2 इज इक्वल्स टू 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है लीनियर इक्वेशन का। तो x की वैल्यू मिली हमें 2, यानी कि जब x की वैल्यू 2 होगी तो y की वैल्यू 0 होगी। जब हम इसको ग्राफ में प्लॉट करेंगे तो कहाँ करेंगे, x की वैल्यू 2 इस पॉइंट पर है और y की वैल्यू भी 0 है इसी लाइन पर है, तो 2, 0 यहाँ पे प्लॉट होगा, किस पर, x एक्सिस पर। यानी कि इस इक्वेशन का सिर्फ एक ही पॉसिबल सॉल्यूशन है। जब एक ही सॉल्यूशन होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिक सॉल्यूशन। अब देखिए, अगर हमें हो इक्वेशन गिवन हो कि 2a, यहाँ पर a एक कोई वेरिएबल है जो कि रियल नंबर हो सकता है, मतलब 0 भी हो सकता है, पॉजिटिव नंबर भी हो सकता है, नेगेटिव नंबर भी, या फ्रैक्शन भी, और x की वैल्यू फिक्स है, जैसे कि 2 2 2 1 2 0 2 - 1। इसमें क्या हो रहा है, y की वैल्यू चेंज होते चले जा रही है, x की वैल्यू फिक्स है, तो इसमें इन्फिनिट नंबर ऑफ सॉल्यूशन बन सकते हैं। आप बदलते रहिए एक ही वैल्यू, अलग अलग पॉइंट्स मिलते चले जाएंगे आपको। अगर इन पॉइंट्स को हमें प्लॉट करना पड़े तो वो लाइन कैसे बनेगी, इस पॉइंट पर x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 0 है, पहला प्लॉट करिए आप 2 2, मतलब x की वैल्यू भी 2, y की वैल्यू भी 2, यहाँ मिल गया। सेकेंड है 2 1, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 1, यहाँ पर है। 2 0, यहाँ पर x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 0 है। 2 - 1, x की वैल्यू तो 2 है लेकिन y की वैल्यू -1 है, तो वो यहाँ प्लॉट होगा। जब इनको हम स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करते हैं तो हम ये देखते हैं इस पूरी लाइन पे सब जगह x की वैल्यू 2 ही है, लेकिन ये लाइन y की वैल्यू चेंज होने के कारण y एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ हुई है। ऐसी स्ट्रेट लाइन जो y एक्सिस के पैरेलल तभी ड्रॉ होगी जब x की वैल्यू फिक्स है। अगर इसमें x की y की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे तो लाइन ऊपर की तरफ जाएगी, और y की वैल्यू नेगेटिव में जाएगी तो लाइन नीचे की तरफ आएगी। इसी तरह से इसके स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया x इज इक्वल्स टू +-a। ये लाइन जब भी बनेगी ये y एक्सिस के पैरेलल आएगी। हमेशा ये बात ध्यान रखेंगे, जब भी x की वैल्यू +-a में दे रखी होगी तो इस इक्वेशन को जब भी हम ड्रॉ करेंगे तो वो y एक्सिस के पैरेलल ही बनेगी। इसके उल्टा अगर दे रखा हो
y इज इक्वल्स टू प्लस माइनस ए, तो इसका ग्राफ x एक्सिस के पैरेलल बनेगा। मतलब यहाँ पे जैसे अज्यूम किया हमने y की वैल्यू है 3, तो स्ट्रेट लाइन में हमेशा हर जगह हर पॉइंट पे y की वैल्यू तो फिक्स है 3, और x की अलग अलग वैल्यू हमें मिलती चली जाएगी। तो ये जो ग्राफ की लाइन है वो x एक्सिस के पैरेलल होगी अगर ये इक्वेशन y इज इक्वल्स टू प्लस माइनस ए के फॉर्म में है। तो जब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमें करना होता है सिंगल वेरिएबल में, वन वेरिएबल में, तो हम उसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करता है, और जब हमें टू वेरिएबल्स में रिप्रेजेंट करना होता है तो हमें इसे कार्टेशियन प्लेन में रिप्रेजेंट करते हैं। कार्टेशियन प्लेन क्या होता है? जहाँ पर एक्स की दो वैल्यूज़ हैं, वाई की दो वैल्यूज़ हैं, बीच में ओरिजिन है। चलिए एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज 4.4, क्वेश्चन नंबर 1, गिव द ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ वाई इज इक्वल्स टू 3 एज एन इक्वेशन इन वन वेरिएबल एंड इन टू वेरिएबल। वन वेरिएबल में कैसे करेंगे? हम नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे जहाँ पर पॉइंट की वैल्यू 3 होगी, ये है पॉइंट y इज इक्वल्स टू 3 के इक्वेशन का। अब टू वेरिएबल्स में करना है इसको, तो हम पहले तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म की इक्वेशन बनाएंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म की इक्वेशन क्या है? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। हमें गिवन है y इज इक्वल्स टू 3, मतलब x की कोई वैल्यू नहीं है, तो हमें x की वैल्यू बनानी पड़ेगी। वो होगी 0 इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 3। तो y की वैल्यू क्या है? 3, मतलब जब x 0 है तो y की वैल्यू 3 है। अब x को बदलते रहेंगे तो हमें अलग अलग y की वैल्यू मिलती चली जाएगी। y की वैल्यू इसमें फिक्स है, x की वैल्यू अगर अपन बदलते रहेंगे तो हमें एक ग्राफ मिलेगा। कैसे मिलेगा? ये हमने x एक्सिस ड्रॉ करी है, ये y ड्रॉ करी है। 0.0,3, मतलब जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 3 है। ये पॉइंट हमें 0,3 का मिल गया। अब अगर मानिए हम x की वैल्यू 2 लें और y की वैल्यू 3 ही रखेंगे, तो हमें दूसरा पॉइंट यहाँ मिलेगा 2,3 का। अगर हमने x की वैल्यू माइनस की ले ली, -2, और y की वैल्यू 3, तो ये पॉइंट हमें यहाँ मिलेगा -2,3 का। और हमने स्ट्रेट लाइन अगर जोड़ी तो इस स्ट्रेट लाइन की सारे पॉइंट्स की वैल्यू y इज इक्वल्स टू 3 ही रहेगा। चाहे आप x की कोई भी वैल्यू लीजिए, 2, 0 या -2, ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनेगा और ये लाइन हमेशा x एक्सिस के पैरेलल ही बनेगी। यहाँ पे y की वैल्यू कांस्टेंट है, 3 x की वैल्यू बदलने पर भी ये लाइन ग्राफ स्ट्रेट बनेगा और ये x एक्सिस के पैरेलल बनेगा। लास्ट क्वेश्चन देखिए, गिव द ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ 2x प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0 एज एन इक्वेशन। पहले तो इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। एक बार वन वेरिएबल में रिप्रेजेंट करना है, एक बार टू वेरिएबल में। 2x प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0, मतलब 2x इज इक्वल्स टू -9। x इज इक्वल्स टू -9/2, या फिर -4.5। इसको नंबर लाइन पे हम प्लॉट कर सकते हैं। सिंपल एक नंबर लाइन ड्रॉ कीजिए, यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं, यहाँ 0, यहाँ पे नेगेटिव वैल्यूज़। तो नेगेटिव वैल्यूज़ में 4 और 5 का जो मिड पॉइंट है वो होगा -4.5 का, या फिर -9.2 का। ये हमने वन वेरिएबल में रिप्रेजेंट कर दिया। अब टू वेरिएबल में देखिए, इसमें क्या मिसिंग है? वाई की वैल्यू मिसिंग है। स्टैंडर्ड फॉर्मेट में देखिए, 2x प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0 में y की वैल्यू हमने ऐड करी है 0 इंटू वाई। तब इसका मतलब ये है कि हम y की कुछ भी वैल्यू दें, x फिक्स रहेगा, x की वैल्यू रहेगी -9/2, और ये लाइन किसके पैरेलल बनेगी? y एक्सिस के पैरेलल। देखिए कैसे, हमने कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ करा है। -9/2 0 कहाँ पर होगा? मतलब x की वैल्यू तो 0 है और y की वैल्यू है -4.5 यहाँ पर। अब अगर हमने x की वैल्यू दूसरी रखी है, मानिए कि 2 रखी है, तो y की वैल्यू यहीं रहेगी -9/2, ये पॉइंट यहाँ मिलेगा। और अगर हम ये वैल्यू लेते हैं -2 की, तब भी x की वैल्यू क्या आएगी? -9/2, और y की वैल्यू है -2। जब हम तीनों पॉइंट को जोड़ते हैं तो हमें स्ट्रेट लाइन मिलती है। ये पूरी लाइन पे सब जगह x की वैल्यू है -9/2, और ये पैरेलल होगी y एक्सिस के। सो दिस कंप्लीट आवर एक्सरसाइज। थैंक यू क्लास।